हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 6 अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे थे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इसमें उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व, उनकी सादगी तथा समाज में फैली बुराइयों पर प्रकाश डाला है। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे, ठीक है। तो जिस समय यह कहानी लिखी गई है तो लेखक ने उस समय की बात की है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है लेकिन जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे, ठीक है। कि टोपी हमेशा जूते से क्या रही है, सस्ती रही है, लेकिन टोपी का स्थान जूते की अपेक्षा सम्माननीय होता है, सम्मान के योग्य है, क्योंकि टोपी सिर पे पहनी जाती है और जूते पैरों में पहने जाते हैं। इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि टोपी का स्थान हमेशा सम्मान के योग्य होता है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, फिर भी जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी कि आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने समाज के उस दृष्टिकोण पर व्यंग्य किया है जिसके कारण टोपी जैसे, टोपी की तरह सम्मान के योग्य लोगों का समाज में सम्मान नहीं किया जाता और जो जूते की तरह अधिक सम्मान के योग्य नहीं हैं उन्हें अधिक सम्मान दिया जाता है। अर्थात समाज में दिखावे के आधार पर लोगों का सम्मान किया जाता है। अगर एक व्यक्ति के गुण अच्छे नहीं हैं लेकिन उसके पास हर सुख सुविधा ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं तो समाज में सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति गरीब है लेकिन उसके वास्तविक गुण अच्छे हैं तो भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, ठीक है। और आगे लेखक क्या कहता है कि आज तक उसको समाज की यह विडंबना इतनी नहीं चुभी जितनी कि आज फोटो में प्रेमचंद जी का फटा जूता देखकर चुभ रही है, ठीक है। क्योंकि प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार थे, ठीक है, महान प्रवर्तक, युग प्रवर्तक थे, उपन्यास सम्राट थे, और फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी कि वह फोटो खिंचाने के लिए एक जूता भी नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली भी बाहर नहीं निकली पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, ठीक है। जो जूते की सोल होती है वो फट गई है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रही हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया है इन पंक्तियों में कि लेखक की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन उसने अपनी उस स्थिति पर क्या पर्दा डाला हुआ है, ठीक है, उसको छुपा रखा है अपनी इस कमजोरी को लोगों से। प्रेमचंद अपनी स्थिति के प्रति चिंता नहीं करते, वे फटे जूते को भी मज़े से पहने फिरते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं और अपनी स्थिति को किसी से छुपाते नहीं हैं। वो फटे जूते भी पूरे सम्मान के साथ पहनकर निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने प्रेमचंद के जीवन की सादगी और उनके आर्थिक अभाव को दिखाया है।
लेखक क्या कहता है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, अर्थात मेरी भी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। दिखने में मेरा जूता ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, किंतु जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा वो नहीं है। ठीक है, उसका नीचे का भाग टूट चुका है, अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है, और पैनी और सख्त मिट्टी जब कहीं आती है तो रगड़ खाने पर कभी कभी अंगूठे से खून भी निकलने लग जाता है। इस प्रकार एक दिन पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा जख्मी भी हो जाएगा, किंतु उंगली बाहर दिखाई नहीं देगी। अर्थात मतलब चाहे उसकी उस जूते वह जूता नीचे से कितना ही घिस जाए, कितना ही पैर जख्मी हो जाए, लेकिन अपनी स्थिति को वह दुनिया के सामने आने नहीं देगा। ठीक है, कहने का भाव क्या है कि लेखक ने अपनी आर्थिक दुर्दशा को छिपाए रखा है, किंतु प्रेमचंद जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपनी आर्थिक दयनीय स्थिति को छिपाते। उनके फटे जूते में से उनकी अंगुली दिखती रहती थी, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, लेखक कहता है कि तुम फटा जूता बड़ी शान और बेपरवाही से पहनते रहते हो, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फटे जूते में फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवाऊँगा, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो के ही क्यों न छाप दे। ठीक है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। मतलब इस बात के द्वारा लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी पर व्यंग्य किया है कि तू आप तो दिखावा करना जानते ही नहीं है, और लोग दिखावे के प्रति कुर्बान होते जा रहे हैं। आगे हैं, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह है? तो मतलब प्रेमचंद जी फोटो में हल्के से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो लेखक कहता है कि तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपकी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, यानी मेरे विश्वास को हिला देती है। क्या मतलब है, कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है मादो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। जो भी ये बातें आई हैं, होरी का गोदान, पूस की रात में नील गाय, हल्कू का खेत, ये सारे प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र हैं। तो इन्हीं के द्वारा लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी पर व्यंग्य किया है। आगे है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह है, मेरी जनता के लेखक। तो लेखक अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे जूते की तरफ फिर से देख रहा हूँ और सोचने की मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जूता कैसे फट गया। ठीक है, वो अपने आप से ही प्रश्न पूछ रहा है और खुद ही उनके जवाब दे रहा है, अनुमान लगा रहा है कि मेरी जनता के लेखक आपका यह जूता कैसे फट गया। क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो, क्या आपने बहुत से चक्कर काटे हैं? क्या बनिए के तगादे से बेचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? क्या बनिए के तगादे, तगादे मतलब तकाजा, जल्दी करना किसी बात की। तो क्या बनिए के तगादे के कारण कोई चीज़ बेचने के लिए मील दो मील आपने चक्कर लगाए हैं? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। चक्कर लगाने से जूता मतलब फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास ने भी फतेहपुर सिकरी आने जाने के बहुत से चक्कर लगाए थे और उसका जूता भी घिस गया था, इस बात का उसे। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक कहता है कि ज़्यादा चलने से जूता घिस तो जाता है लेकिन फटता नहीं है, तो तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तो लेखक कह रहा है कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो नहीं निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं।
कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, जो इस पाठ में टीला शब्द आया है वो टीला शब्द किसके लिए आया है, रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए प्रयोग किया है। तो लेखक कह रहा है कि तुम सिर्फ चले नहीं हो, तुमने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारी है। ठीक है, तो मतलब जीवन में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनको ठोकर मारी है आपने, यानी उनसे संघर्ष किया है। ठीक है, जो परत दर परत सदियों से जो बुरी रीतियाँ चल रही थी उनको तुमने दूर करने की कोशिश की है, और उन्हीं संघर्ष मतलब उन्हीं से संघर्ष करते करते आपका जूता फट गया है। ठीक है, जो समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार है, अन्याय है, शोषण है, छुआछूत, जाति पाति, पूंजीवादी व्यवस्था आदि आदि के साथ प्रेमचंद जी ने बहुत संघर्ष किया है अपनी कथाओं के कहानियों के माध्यम से। ठीक है, जीवन मतलब उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ थी, तो उनका उनसे संघर्ष करते करते उनका जूता फट गया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकती थी, मतलब तुम उन कठिनाइयों पर पर्दा डालकर या उनसे मुंह फेर लेते और उनसे मतलब बगल से भी निकला जा सकता है। टीलों से समझौता भी हो सकता है, मतलब जीवन में आने वाली मुसीबतों से हम समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने जीवन अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी समझौता नहीं किया, और उनका हमेशा से डट कर सामना किया, और उन्हीं का सामना करते करते उनके पैर का जूता भी फट गया। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। तो इस कथन के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, जिस प्रकार की हर एक नदी शक्तिशाली नहीं होती, वह मार्ग में आने वाले पहाड़ को तोड़कर अपना मार्ग बना ले। ठीक है, सारी नदियां ऐसी नहीं होती जो रास्ते में आने वाले पहाड़ों को तोड़कर अपना रास्ता बना ले, ऐसे ही प्रेमचंद की तरह सारे लोग नहीं होते जो बाधाओं से संघर्ष करके उन्हें अपने जीवन से हटा दे। ठीक है, प्रेमचंद ने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से समझौता करके जीवन यापन या जीवन का गुजारा नहीं किया, अपितु इनका विरोध करके उन्हें अपने जीवन से हटा दिया। ठीक है, इसीलिए उन्हें अपना आजीवन अभाव में बिताना पड़ा। ठीक है, पूरे जीवन उन्हें अभावों का सामना करना पड़ा। आगे हैं, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। ठीक है, तो प्रेमचंद जी की यह कमजोरी थी कि वो गलत बातों से कभी भी समझौता नहीं करते थे, वे अपने नेम धर्म के पक्के थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गलत बातों के लिए या जीवन में सुख पाने के लिए कभी समझौता नहीं किया था, और जो उनका उपन्यास था गोदान और उसका जो नायक या पात्र था होरी, उसकी भी यह कमजोरी थी, इसलिए लेखक ने यहाँ दोनों की समानता की है। उस होरी ने भी कभी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, यह नैतिकता ही शायद होरी के लिए भी एक बंधन थी, किंतु प्रेमचंद फोटो में जिस प्रकार मुस्करा रहे थे उससे लगता था कि उसके लिए नेम धर्म बंधन नहीं, नेम धर्म बंधन नहीं अपितु मुक्ति का कारण था। ठीक है, क्योंकि नेम धर्म का पालन करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। ठीक है, यह उनकी मजबूरी नहीं थी। आगे है, तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते थे, क्या तुम इस उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया, मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। ठीक है,
तो इसका क्या अर्थ है, इसके द्वारा कवि क्या बताना चाहता है कि प्रेमचंद के फटे हुए जूते में से बाहर निकली हुई उसकी पैर की अंगुली को देखकर लेखक ने कहा है कि वह अंगुली लेखक और समाज पर व्यंग्य कर रही है, लेखक और समाज पर मतलब कटाक्ष कर रही है और संकेत द्वारा उनके प्रति अपनी घृणा को प्रकट कर रही है। यह इस घृणा का कारण समाज के लोग परिस्थितियों से जूझने के बदले समझौता करते रहे हैं। लेखक को क्या लगता है कि जो प्रेमचंद के पैर की अंगुली दिखाई दे रही है ना जूते में से, वो हमारे जैसे लोगों की तरफ अपनी घृणा प्रकट कर रही है। कैसे लोगों की तरफ, जो मतलब अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से समझौता कर लेते हैं और उनका सामना नहीं करते, ऐसे लोगों की तरफ अपनी घृणा प्रकट कर रही है, ठीक है। लेकिन प्रेमचंद जी ने हमेशा बाधा रूपी चट्टानों से संघर्ष किया और उन्हें लगातार ठोकर मारी और इसी प्रयास में उनके जूते फट गए। कभी भी उन्होंने झूठी मान्यताओं तथा झूठे रीति रिवाजों को नहीं अपनाया, हमेशा उनसे कड़ा संघर्ष, हमेशा उन बाधाओं से संघर्ष करते रहे, ठीक है। आगे हैं, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरा कर बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ, ठीक है। इस पर लेखक क्या कहता है कि मैं जानता हूँ इस तुम्हारी इस मुस्कान का क्या कारण है, तुम मुझ पर और मेरे जैसे उन सभी लोगों पर हंस रहे हो जो अपनी उंगली छिपाने यानी अपनी कमजोरी छिपाने के चक्कर में अपना तलवा पैर का नीचे का हिस्सा घिसाए जा रहे हो, उन पर जो टीलों को बरकरा कर टीलों को हटा कर या टीलों के मतलब रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे समझौता करके उनसे आगे निकल जाते हो, ठीक है, उनका सामना नहीं करते हो। और लेखक कह रहा है कि तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मुझे ये कह रही है कि मैंने तो ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, मैंने तो अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जिसके कारण मेरी उंगली फंस गई, सॉरी निकल गई, अंगुली तो बाहर निकल आई लेकिन मेरा पाँव तो सुरक्षित है, अब मैं तो अब भी आगे चल सकता हूँ, अगर मेरा पाँव सुरक्षित है तो मैं और भी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने अपनी उंगली छिपाने के चक्कर में अपना पैर भी घिसा लिया है, वो पैर भी लहूलुहान कर लिया है, अब तुम आगे चलोगे कैसे, ठीक है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, लेखक क्या कह रहा है कि मैं आपको भी समझ गया हूँ और आपके जूते की बात को भी समझ गया हूँ और उंगली का इशारा भी समझ गया हूँ और जो तुम्हारी ये व्यंग्य भरी या कटाक्ष भरी मुस्कान है उसका अर्थ भी समझ गया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।